वी एक काफी ज्यादा यूनिक आर्टिस्ट हैं और उनके आर्ट को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन रिसेंटली जिस एल्बम के लिए पूरी दुनिया भर की आर्मीज एक्साइटेड थी, अब उन्हें ऐसा लगता है कि वी के आने वाली एल्बम में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो तो सकती हैं, लेकिन शायद अच्छे वे में नहीं, और हो सकता है कि ये सब कुछ हम सभी के लिए और वी के लिए भी काफी पेनफुल हो। लेकिन आर्मीज को ऐसा क्यों लग रहा है और क्यों दुनिया भर के आर्मीज को ये लग रहा है कि वी के आने वाले सॉन्ग्स भी कम व्यूज लेकर आएंगे या फ्लॉप होंगे, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ जाइए। तो आर्मीज, आप सभी इस सिचुएशन से तो अवेयर हो ही कि आजकल जो भी वी के सॉन्ग्स के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। BTS के मेंबर्स जो कि कुछ मिनटों में मिलियन व्यूज को पार कर देते थे, वहीं पर वी के सॉन्ग्स को इतने कम व्यूज मिलना बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमारे वी वन ऑफ द मोस्ट फेमस BTS के मेंबर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। इवन इस बात को लेकर काफी चर्चा होता है कि किस तरीके से बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में वी या फिर जंगकुक को कई ज्यादा व्यूज मिलते हैं। लेकिन जब बात आई वी के सॉन्ग्स की तो पासा एकदम उल्टा पलट गया और वी को काफी कम व्यूज मिले। इवन जो वी का अभी लेटेस्ट सॉन्ग का टीजर आया था ब्लू का, उसके पहले टीजर को अभी 3 मिलियन व्यूज मिले हैं बस, और उसके बाद जो सेकंड टीजर आया है वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आखिर इसका रीजन क्या है? तो बहुत सारी आर्मीज को इसके पीछे का रीजन ये लगता है कि शायद जो आर्मीज है, न्यू आर्मीज, वही BTS के मेंबर्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि जब से BTS मेंबर्स एक दूसरे से अलग हुए हैं, आर्मीज भी इसी हिस्से में बट गई हैं। पहले जब BTS एक ग्रुप की तरह परफॉर्म करते थे तो फैंस भी उनको एक ग्रुप की तरह सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सभी आर्मीज सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बायस को सपोर्ट करती हैं, और काफी सारे लोग तो दूसरे को नीचा करने के लिए उनको एंटी सपोर्ट भी करती हैं। तो बहुत सारी आर्मीज को लगता है कि कुछ वी बायस के सिवा बाकी लोग वी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके सिवा काफी सारे लोगों को टेंशन ये है कि कहीं आने वाले सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो पे भी यही ना हो जो कि पुराने सॉन्ग्स के साथ हुआ, क्योंकि पहले वी का सबसे पहला सॉन्ग आया लव मी अगेन, जिस पे अच्छा खासा रिव्यू था, लेकिन उसके बाद रेनी डेज काफी ज्यादा बुरे व्यूज के साथ सामने आया, और अब वी का तीसरा सॉन्ग ब्लू आने वाला है, जिसको लेकर आर्मीज काफी टेंशन में है। हालांकि आर्मीज ने काफी प्लानिंग करी है और उनका मानना है कि इस बार जो सॉन्ग आएगा उसको काफी जल्दी हम लोग रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी आर्मीज को काफी डर है कि शायद वी का ये सॉन्ग भी फ्लॉप होने वाला है या फिर इसे कम व्यूज मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि किसी भी गाने पे अगर कम व्यूज आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक फ्लॉप सॉन्ग है। हो सकता है इसे हम अंडररेटेड कहें, क्योंकि वी का रियल टैलेंट हर कोई नहीं समझ सकता। तो आर्मीज, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वी का सॉन्ग फ्लॉप नहीं है और वी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, तो कमेंट में बेस्ट विशेस वी के न्यू सॉन्ग्स के लिए जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।